अस्सलाम वालेकुम अफरोज़ लजीज़ जायके में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का चीला। इसके लिए हम एक लौकी लेंगे, इसको इस तरह से खींच लेंगे बारीक। और ये मैंने लौकी का जूस बनाई थी तो उसका बचा हुआ ये जो हम छानते बच जाते हैं वो भी मैं यूज़ करूँगी। और ये हमने लिए बेसन 2 चम्मच बड़े, कॉर्नफ्लोर, हरी मिर्च, प्याज 1 कटी हुई बड़ी, ये थोड़ा सा हमने अजवाइन लिए और थोड़ा सा 1 चुटकी जीरा, लेमन लेंगे थोड़ा सा, कोथमीर, हरा धनिया, टमाटर लेंगे 1 छोटा, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब मसाले और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी लेंगे। अब हम एक बाउल में ये जा डाल देंगे लौकी जो हमने खींच ली है और बारीक पीसा हुआ है जो जूस का बचा हुआ है। लौकी आप आपके हिसाब से लेंगे, आपको जितने बनाने हैं चीले। ये मैं 5-4-5 बनाऊंगी अपने अंदाज से, अपने लिए घर में 2-3 2 जन के लिए काफ़ी है ये। और आप लोग को ज़्यादा यूज़ करना है तो लौकी पूरी लेंगे, मैंने आधी लौकी ली है। अब हम इन चीज़ों को सब एक साथ मिक्स कर लेंगे, कॉर्नफ्लोर, ये सब मसाले हम एक साथ ऐड कर देंगे। सब मसालों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। नमक लेंगे 1 चम्मच अपने अंदाज से, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और लेमन। बेसन, ये बेसन मैंने 2 बड़े चम्मच ली हूँ। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी अपने अंदाज से डालना है जितना चाहिए, क्योंकि लौकी में पानी बहुत होता है। तो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले, और जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी यूज़ करेंगे हम। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी भी ऐड करेंगे अभी। इसमें हम पानी भी ऐड कर लेंगे अभी, क्योंकि हमको चीला बनाना है इसलिए पानी अपने अंदाज से लेंगे। ये मिक्स हो चुका है हमारा चीले का घोल। अब इसको हम एक फ्राई पैन पे या तवे पे, 2 से तवे पे फ्राई करेंगे। अब गर्म हो चुका है हमारा, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल, बस ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, इस तरह से हम बना लेंगे छोटे छोटे। इससे भी थोड़ा ऑयल हम करेंगे और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे पकने के लिए। इसको पलटते धीरे धीरे, इसको पलटना है, टूट भी सकता है ये।
ये दीजिए, इसे और 2 मिनट रखते हैं। यह हमारा तैयार है चीला, इसे अभी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यह हमारा तैयार है चीला, और एक एक बनाएंगे अभी हम, यह और एक एक बनाएंगे, इसको पकने रखेंगे हम ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए। हमारा तैयार है लौकी का चीला, इसे आप सॉस के साथ या तो चटनी के साथ खा सकते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ये बहुत ही इजी है बनाने में, बहुत जल्द बन जाता है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।